कसडोल विकास खंड के सिद्ध बाबा को आसपास में कौन नहीं जानता। यह प्राकृतिक जल प्राप्त है जो बरसात के दिनों में अपने सौंदर्य को बिखेरती है, जिसे दूर दराज से भी देखने लोग आते हैं। वहीं प्लांटेशन कर वन विभाग द्वारा पौधे रोपे गए थे, लेकिन सुरक्षा और देखरेख के अभाव में मुरझा गए थे, जिसे कसडोल मॉर्निंग टीम द्वारा न सिर्फ नया रूप दिया जा रहा है बल्कि नए पौधे लगाकर एक गार्डन का रूप दे रहे हैं। शंकर तलरेजा के अगुवाई में मॉर्निंग टीम की मेहनत रंग आती नजर आ रही है। पूर्व में लाखों की खर्च से किए गए प्लांटेशन सुरक्षा और देखरेख के अभाव में पौधे सूख चुके थे, वहीं आसपास गंदगी का आलम था जो आज गार्डन का रूप नजर आने लगा है। समिति के शंकर तलरेजा, आशु राम गोपाल, पप्पू किशोर, हनी चेतन, लक्ष्मी के अलावा और कोई है जिन्होंने न सिर्फ शारीरिक बल्कि आर्थिक सहयोग कर गार्डन का रूप देने में मानो एक जुनून सवार हो गया है। शंकर ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया, हमारा एक सपना है कि यह दूर दराज से लोग जल प्राप्त देखने आते हैं, वो न सिर्फ जल प्राप्त देखने बल्कि लोग गार्डन का भी लुत्फ उठाए। गार्डन में स्वास्तिक, कलश, स्टार, दिया जैसे कई आकार देकर फूल पौधे उनके समिति द्वारा रोपे जा रहे हैं। साथ ही तलरेजा ने वन विभाग और क्षेत्रीय विधायक से मीडिया के माध्यम से सहयोग भी मांगी है, जिससे वो और अच्छा से अच्छा काम कर सके। मामले में रेंज ऑफिसर गोविंद सिंह ने शंकर तलरेजा और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा, समिति के लिए जो भी उनके द्वारा की जा रही है सराहनीय है। अगर किसी भी चीज के लिए समिति की जरूरत पड़ेगी तो विभाग से बात कर सहयोग किया जाएगा। गार्डन का रूप हमने दिया है, हमारे मन पे एक बात आई। अपन कुछ दिन पहले यहाँ पे मॉर्निंग वॉक भी शुरू किए थे और हमारे एक मित्र गोपाल साहू का बर्थडे भी था। अपन यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, हमारी नज़रें पड़ी कि इतना बढ़िया गवर्नमेंट के द्वारा तार फेसिंग की गई है और कुछ प्लांटेशन भी किया गया, जैसे पीपल, नीम लगाया गया है उनके द्वारा। लेकिन उससे बड़े तो यहाँ पे जो एक जंगली घास होता है जिसको बोलते हैं बंतूसा, और कुछ घास इतने बड़े हो चुके थे कि वो बढ़ ही नहीं पा रहे थे। अपन खोदते, जब उनको तोड़ते गए, सफाई करते गए तो देखते गए, अरे यहाँ पे तो नीम है, अरे ये तो तुलसी है, और ये तो सब लगे हुए हैं बरगद के पेड़। तो अपने सफाई करके उसको थोड़ा एक बढ़ने की जगह दी है उनको अपन ने। आप सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, फिर कैसे इतना समय निकाल लेते हैं इस गार्डन को इतना अच्छा रूप देने के लिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हमारे साथ, जो कि मैं खुद एक दुकानदार मेरे साथ है, जो कि एक डॉक्टर साहब भी हैं, आशु भी है और मेरे साथ। इससे और अच्छी बात क्या बताऊँ, एक हमारे साथ एक मुख बगीर है जो कि बोल नहीं पाता, जिसका नाम किशोर पड़वार है, वो भी हमको इतना अच्छा सपोर्ट करता है, हमारे साथ आता है। हमारी टीम बकायदा सुबह 5:15 बजे अपन पहुंच जाते हैं यहाँ पे और एक मेहनत में ऐसे लग जाते हैं अपन। और हमारी मेन मकसद मानसिकता ये थी कि सिद्ध बाबा जो कि एक अपने आप में पर्यटक स्थल बन चुका है, छत्तीसगढ़ में इसका नाम है, यहाँ तक कि काफ़ी लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं। तो हमारे मन में एक विचार आया अपन पांचों दोस्तों में कि क्यों ना एक घास को हटा के यहाँ पे गार्डन का रूप दिया जाए। और जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे तुलसी का एक तुलसी के पौधे लगाए हैं, वो भी स्वास्तिक के शेप में। 106 गेंदे के पौधे लगाए हैं, वो भी हॉट शेप में, एक डमरू के शेप में, एक स्टार के शेप में हमने शोपत्ती दी है। हमारा अगले शेप की जो तैयारी है वो दीपक की है, दीपक मीन्स दिया। अपन जो जो कर रहे हैं, एक हमारे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हमने गार्डन में जो होना चाहिए, जो गार्डन में उपयुक्त लगना चाहिए, हम उसका शेप दे रहे हैं। गार्डन का रूप देने के बाद जो अपने को जो खुशी मिल रही है वो बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। ये देख के इतना बढ़िया लगता है, जब अपन आए यहाँ घूमने एक दिन और एक्चुअल बर्थडे मनाने के हिसाब से आए थे अपन, जब देखे यहाँ पे जगह इतनी अच्छी है, पूरी घेरे के अंदर है, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा अपन सफाई करके एक अच्छे कुछ पौधे रोपण करें। हमारे मेन सिद्धखोर वाटरफॉल जो कसडोल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर पिछले वर्ष कुछ पौधों का रोपण कर वहाँ फेंसिंग का कार्य किया गया था। इस वर्ष कसडोल के स्थानीय निवासी शंकर तलरेजा जी हैं, उनके द्वारा समिति, स्थानीय लोगों की समिति बनाकर वहाँ पर कुछ 150 पौधों का रोपण किया गया है, जो स्थानीय लोगों के द्वारा प्रतिदिन सुबह जाकर क्षेत्र की साफ सफाई एवं पानी डालने का कार्य किया जा रहा है। यह एक सराहनीय कार्य है। अगर इस तरह का सहयोग वन विभाग को स्थानीय लोगों के द्वारा दिया जाएगा
तो वन विभाग भी उनके साथ उनका सहयोग करेगा और ये जो सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है इसको हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और जो भी हमारी मदद की आवश्यकता होगी उसके हम उनका सहयोग भी प्रदान करेंगे।